मुझे नहीं जाना अम्मी, मुझे नहीं करवाना अम्मी, नहीं करवाना मुझे प्लीज अम्मी, मुझे नहीं करवाना। नहीं अम्मी, अम्मी नहीं नहीं नहीं, जोर से पकड़। अब्बू को, अब्बू के पास जाना है, अब्बू के पास जाना है। आपके बच्चों ने जो आप पर आरोप लगाया है, क्या आप उसे कबूल करते हैं? वकील साहब, ये एक रवायत है जो सदियों से चली आ रही है। जी हां, मैंने अपने बच्चों का खतना करवाया था। इसमें अंग भंग की कोई मंशा नहीं थी। लियाकत अली साहब, मेरे सीधे से सवाल का आप सीधा सा जवाब दीजिए। क्या आपने अपने बच्चों के निजी अंग को कटवाया था या नहीं? जी, कटवाया था। हमारे मौलवी साहब ने बताया कि ये एक दीनी रवायत है और ये हमारे धर्म का हिस्सा है। धर्म का हिस्सा? जी। कैसे? उन्होंने बताया कि इसके बगैर हम मुसलमान नहीं हैं। लियाकत साहब, अब आप जा सकते हैं। जी, शुक्रिया। योर ऑनर, अब मैं इस केस के अगले आरोपी मौलाना मोहम्मद बशीर साहब को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मोहम्मद बशीर साहब, इदरीस और सोफिया ने जो आप पर संगीन इल्जाम लगाए हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? सहमत? जनाब, आजकल की नौजवान नस्ल थोड़ी सी भी शोहरत पाने के लिए दीन के मामलात का तमाशा बना देती है। इंद्रीस और सोफिया का जो इल्जाम है, वो भी उसी शोहरत का हिस्सा है। जनाब, इस तरह का तमाशा कोर्ट के समय की बर्बादी है। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मुकदमे को फौरन खारिज किया जाए। मौलाना साहब, आप अदालत को मशवरा देने के बजाय आपसे जो कुछ भी पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दीजिए। उसी का तो जवाब दिया है वकील साहब, ये शरीयत के मामले में दखल है, एक साजिश है दीन को बदनाम करने की, और जिसे आप इल्जाम कह रहे हैं वो हमारे दीन का एक अहम हिस्सा है। खतने के बगैर अगर एक बच्चा मुसलमान परिवार में पैदा भी होता है तो भी उसे मुसलमान नहीं कहा जाता। मतलब आपने उन दोनों का खतना करवाया था? बेशक, बेशक खतना करवाया था। इस्लाम में खतना मर्दों की शिनाख्त है, और रही बात औरतों की, उनका खतना करने के बाद वो वास्ता के गुलाम नहीं रहते और उनका ईमान भी दुरुस्त रहता है। हमारे मजहब में इसे हराम की बोटी माना जाता है और इसे काट के फेंकना दीन की हिफाजत है। बिलॉर्ड, मासूम बच्चों को धर्म और मजहबी पहचान देने के नाम पर उनके निजी अंगों के साथ खिलवाड़ भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के द्वारा प्रदत्त शारीरिक अखंडता, समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है, और साथ ही साथ मासूम बच्चों के साथ बर्बरता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह सही नहीं हो सकता। मिलॉर्ड,
वाली साहब अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं जर्रा जुम्मन मियां को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। जुम्मन मियां, यह अदालत है, आप खड़े होकर बात कीजिए। जी सरकार। जुम्मन मियां, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं? कुछ नहीं सरकार, मैं तो बस। तो फिर ये सर्जरी कैसे सीखी आपने? ये कहां होता है सरकार? वो जो करते हो ना खतना, वो कहां से सीखा? अरे सरकार, इसमें सीखने को क्या है, ये तो हमारा पुछते ही नहीं काम है, बाप दादा भी यही करते आ रहे हैं। लियाकत साहब का खतना मेरे बाप ने किया था, अब मैं करता हूं हुजूर। जुम्मन मियां, करते कैसे हैं खतना? पहले उस्तरा चलता था, अभी टोपास चलता है। जुम्मन मियां, आप जरा इस अदालत को तफसील से बताएंगे? अच्छा सरकार, आप ये मान लो कि आपके बच्चे का खतना होना है। अब जब खतना होना है तो 150 आदमी तो लाजमी है, उसमें से 3-4 लोग बच्चे को ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं, दो लोग ऊपर चादर तान लेते हैं, उसी में न्योछावर आती है, वो लोग चादर ऐसे हिला हिला के सिक्का उड़ाते रहते हैं, और मौली साहब बच्चे को बोलते हैं कि अभी इसमें से सोने की चिड़िया उड़ेगी, और जैसे ही मौली साहब सोने की चिड़िया आसमान में उड़ाते हैं, वैसे ही हम नीचे से उड़ा देते हैं। खतना हो गया माई बाप। आप जरा गौर से देखकर बताइए कि इस लड़के का खतना भी आप ही ने किया था? ये तो लियाकत साहब का लड़का लग रहा है, अभी तो बहुत शरीफ लग रहा है, खतने के वक्त तो बहुत उछल कूद की थी और बहुत गाली भी दिया था हमको। सरकार, इसको कुछ दिक्कत भी हुई थी। चुमन मियां, एक बात बताइए, लियाकत साहब की लड़की का खतना भी आप ही ने किया था? लाहौल बिला कुवत, कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब, बेगैरती की भी कोई हद होती है, शर्म और हया भी कोई चीज होती है। जज साहब, वकील साहब से बोलिए कि अपनी हद पार ना करें, हमारी बहू और बेटियों पे कीचड़ उछालने की कोशिश ना करें। सरकार, सरकार, अब लियाकत साहब की बेटी का खतना तो मेरी औरत ने किया था। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि अगली तारीख पर जुम्मन मियां और उनकी बीवी को भी यहां बुलाया जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मसला क्या है माई बाप? जुम्मन मियां, अब आप जा सकते हैं। जज साहब, मैं मियां इदरीस से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं।